दविंदर रोहिला जी, इंस्पेक्टर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन टीम से आए थे और उन्होंने मुझे आज सम्मानित किया। मैं उनके इसलिए मैं बहुत ज़्यादा उनकी आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे सम्मानित किया। हमने कंपोस्ट की शुरुआत की है अपने स्कूल में और मैं चाहती हूँ कि हर स्कूल में कंपोस्ट पिट बने, कंपोस्ट बने और हर स्कूल अपनी ही कंपोस्ट तैयार करके अपने किचन गार्डन्स में इस्तेमाल करे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक सब्जियों का ऑर्गेनिक सब्जियों का उत्पादन हो। तो मैम, आज आपको सम्मानित किया गया अच्छे बेहतर कार्य पर, तो किस तरह से देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये बस यही चाहती हूँ कि मेरा चंडीगढ़ पूरे चंडीगढ़ के स्कूलों में इस कंपोस्टिंग के बारे में जानकारी हो और सबको इस जानकारी से फ़ायदा हो और ऑर्गेनिक सब्जियां उगनी शुरू हो जाएं और केमिकल फ्री खाना पूरे चंडीगढ़ को मिलना शुरू हो जाए। और मैं प्रिंसिपल कॉरपोरेशन टीम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे सम्मानित किया। आपका इस कंपोस्टिंग टीम में स्टूडेंट्स कितने रहते हैं, कितनी टीम रहती है? सर, ये डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस के बच्चे रहते हैं मेरे पास, 6th to 10th क्लास तक के बच्चे रहते हैं। तो उनमें से कुछ कुछ बच्चे जो कि इंटरेस्टेड होते हैं, जो नेचर के प्रति अपना इंटरेस्ट व्यक्त करते हैं, तो उनको हम सबको इको क्लब में अपने अंडर ले लेते हैं और उनके साथ मिलकर हम अपना इको क्लब चलाते हैं। जैसे कि आपको पता है कि स्वच्छ सर्वेक्षण हर साल होता है और कंपोस्टिंग में कहीं ना कहीं हम पीछे रह जाते हैं, तो मैंने सभी स्कूलों में जाके अवेयरनेस की इसके रिगार्डिंग। तो जो पिपरी वाले टाउन में गवर्नमेंट मॉडल स्कूल है, वहाँ पे मैडम सीपी जी ने बहुत ही बढ़िया एक एग्जांपल दिया है इस चीज़ का कि उन्होंने करके दिखाया कि हम कैसे पत्तों का प्रयोग करके खाद बना सकते हैं। इनके माध्यम से आज इन्होंने सारा इसके बारे में डिटेल बताई, ये डिटेल हम सब स्कूलों तक पहुँचाएँगे और उम्मीद करूँगा कि एटलीस्ट मनीमाजरा के सभी स्कूल इसको रोल मॉडल समझें, अपने दिल में धारण करें और इसको करके दिखाएं। सर, आज मुश्किल काम नहीं। आज आप बच्चों से ही मिले, आपने बच्चों से ही बातचीत की, आज तो किस तरीके की अवेयरनेस लगी आपको? जी, काफ़ी अच्छा लगा। देखो, स्कूल के बच्चे पहली सीढ़ी होते हैं, अगर बच्चों को ही हम गाइड कर देंगे तो उज्ज्वल भविष्य की कामना हम कर सकते हैं। 7th क्लास के बच्चे ने इतना अच्छा एक्सप्लेन किया कि कैसे हम ऑर्गेनिक खाद बना सकते हैं, कैसे गीले कूड़े से खाद बना सकते हैं और वो घर पर भी ये काम करें, तो ये एक आंदोलन सा छिट जाएगा। अगर हम स्कूल से स्टार्ट करेंगे, घरों में भी होगा, तो वो दिन दूर नहीं जब चंडीगढ़ नंबर 1 बन जाएगा। मैं हरिपाल, यहाँ टीचर हूँ, NSS वॉलेंटियर्स को भी गाइड करता हूँ और इको क्लब में भी हेल्प करता हूँ। तो क्या कहना चाहेंगे, आज सम्मानित समारोह प्रोग्राम किया, मैम को सम्मानित किया, तो किस तरीके से देखिए? हमारे मैडम शिल्पी मैम इको क्लब के माध्यम से कंपोस्ट पिट को बड़े अच्छे से मेंटेन कर रहे हैं पिछले 1-1.5 साल से और खाद तैयार किया है। इसमें हमारे स्कूल के किचन गार्डन को साथ में हमारे जो पौधे लगे हुए हैं इधर आगे और पीछे स्कूल में जहाँ भी पौधे लगे हुए हैं, गमलों में भी और वैसे भी, उन सब में बहुत हेल्प मिली है हम स्कूल के डेवलपमेंट में। और जो पूरा किचन गार्डन, तो खासकर ऑर्गेनिक के जो वेजिटेबल्स वहाँ उत्पन्न हुई है, वो हमें हमारे जो मिड डे मील का किचन है और जो खीरा वगैरह है वो सलाद के रूप में हम यहाँ स्कूल में भी प्रयोग करते हैं, तो हमें बहुत फ़ायदा मिला है। साथ में हमें बच्चों को समझाने में एक प्रैक्टिकल उनको दिखाया है, तो बहुत से बच्चे इतना प्रेरित हुए हैं कि अपने घर पे भी कंपोस्ट तैयार करते हैं। कच्चे जो फल रह जाते हैं या सब्जियों के छिलके हैं, उनके माध्यम से वो बहुत प्रयोग करते हैं, आके क्लास में हमें बताते हैं, तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। तो ये प्रयास शिल्पी मैम का और सारे स्कूल का बड़ा सराहनीय है और हम चाहते हैं कि सारे चंडीगढ़ के स्कूलों में ये बात पहुँचे। और MC हमें प्रोत्साहित किया, MC ने भी, सर ने आके, इंस्पेक्टर सर ने आके, तो वो भी थैंक यू सर। और ऐसा पूरा चंडीगढ़ में हो, ऐसी हम कामना करते हैं।